अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मैं आज बना रही हूँ क्रीमी फ्रूट सैलड। ये बड़ी अच्छी बनती है और बहुत मज़े की होती है। बड़ी स्पेशल रेसिपी और मिक्सिंग झटपट हो जाती है, बस आपको कटिंग करनी पड़ती है। आए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ। ये सेब हैं दो बड़े, ये दो आड़ू हैं, इनके छिलके उतार के इनको काट लिया है। ये आलू है एक बड़ा, वो काट लिया है। ये अंगूर हैं एक प्याली, ये थोड़ी सी गाजर एक अदद, और थोड़ी सी बंद गोभी है। ये छः केले हैं। ये एक फ्रूट कॉकटेल है, और ये मैक्रोनीज हैं, और इसमें डलेगी क्रीम एक कप, और मायनीज के दो टेबलस्पून, और ये गार्निशिंग के लिए फ्रूट कॉकटेल में से निकाला है मैंने, और लेमन जूस जो है दो चम्मच। अब इसमें जो स्पाइसेस डलेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, एक टी स्पून नमक, और 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। एक बॉल ले लिया मैंने। अब सबसे पहले मैं इसमें निकालूंगी क्रीम, ये जो एक कप मैंने रखी हुई थी। अब इसमें डालूंगी मायनीज 2 टेबल स्पून, अब इसमें ऐड होंगे ये नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और चीनी, और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना लेमन जूस, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, ताकि सारा एक जान हो जाए। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे फ्रूट कॉकटेल, फिर ऐड करेंगे केले, फिर गाजर और बंद गोभी, मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी जो होती है ये वो है, आलू, आड़ू, अंगूर और सेब, सारा कुछ ऐड कर लिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये बहुत टेस्टी बनती है ये, और इतनी बंदा शौक से खाता है, और ये हेल्दी भी होती है, और आप लोग इसको बड़े इन्जॉय करेंगे। बंदा एज ए स्वीट डिश भी खा लेता है, और वैसे अगर आप कहीं किसी को आपने बुलाया हो पार्टी पे, और उसके लिए भी बनाई जा सकती है। ये एक बड़ी अच्छी डिश होती है, और प्रेजेंटेशन भी इसकी बड़ी अच्छी लगती है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये सैलड तैयार हो गई है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख के छट चिल ठंडा करें, और ये फिर खाने में बड़ी मज़े की बनेगी। अब इसको सर्विंग ऐसे करनी है इसकी, ये देखें, ये इसकी सर्विंग है। ये बहुत मज़े की है, बड़ी टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेंगी। अल्लाह।